You are watching Scene Creations. Welcome. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से बड़ा प्यारा सा एक पैटर्न लेकर आई हूँ जो आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 के मल्टीपल में बनता है और 6 रो में ये कंप्लीट हो जाता है। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड से ये ऐसा दिखता है। ये मैंने वर्धमान की रैबिट वूल यूज़ की है और 10 नंबर मैंने इसमें निडल यूज़ की है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम इसे बनाना। 22 फंदे मैंने इसमें कास्ट ऑन किए हैं और 2 सलाई मैंने ये सीधी सीधी बनाई हैं। 2 सलाई के बाद 2 सलाई मैंने ये सीधी उल्टी बनाई है। ये हमारा प्राइम कलर है और सेकेंड कलर मैं पर्पल यूज़ कर रही हूँ। ये हमारी फर्स्ट रो है। और फर्स्ट रो हमें पूरी सीधी बनानी है। ये हमारी सेकंड रो है और सेकंड रो हमें पूरी उल्टी बनानी है। ये हमारी थर्ड रो है। एक हमने सीधा बनाया। जरा ध्यान देना। और नीडल है ना, हमें यहाँ पे हमने नीडल डाली। ये हमने ये फर्स्ट वो होल छोड़ा और ये सेकंड, ये और ये हम यहाँ पे हमें हमने नीडल डाल ली और यहाँ से हमने बैक लूप से ऐसे एक फंदा बना लिया। फिर हमने 3 स्लिप किए और ये इनके ऊपर से ऐसे उतार दिया। ये ऐसे फिर हमने एक सीधा बनाया और जो ये फर्स्ट वाला फंदा है ना हमारा, जो फर्स्ट वाला है उसके ये ध्यान देना जरा, ये एक होल हमें छोड़ना है और ये जो सेकंड वाला होल है इसमें से हमें नीडल डाल के ये ऐसे एक फंदा बनाना है ऐसे। फिर 3 फंदे हमने स्लिप किए और ये ऐसे इनके ऊपर से उतार दिया ये ऐसे। फिर हमने एक सीधा बनाया ये ऐसे। इसमें ऐसे नीडल डाल के ऐसे निकाला ये और ये ऐसे इसके ऊपर से उतार दिया।
फिर एक सीधा बनाया। फिर नीडल डाल के ऐसे ये एक फंदा बनाया, तीन स्लिप किए और ये इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया। ये देखिए, फिर एक सीधा बनाया, इसके ऊपर से ये ऐसे उतार दिया। लास्ट के अब हमारी ये फोर्थ रो है। फोर्थ रो में हमें क्या करना है कि जो हमारा ये बीच वाला फंदा था, ये जो हमने उस साइड से सीधा बनाया था, ये उल्टा बनाना है। इसके साथ वाला ये तीन जो हमने तीन स्लिप किए थे, ये तीन फंदे, उसके बीच वाले को छोड़ के उसको हमें स्लिप करना है। उसके दोनों साइडों के फंदे हमें बनाने हैं। पहला बनाया, दूसरा स्लिप किया और ये तीसरा बनाया। फिर ये जो इधर से हमने सीधा बनाया था, इधर से हमने उल्टा बनाया, ये पहले वाला उल्टा बनाया, ये स्लिप किया, ये उल्टा बनाया, ये जो उधर से सीधा बनाया था, ये भी। मतलब हमें करना क्या है कि तीन फंदे हमें सीधे बनाने हैं और वो बीच वाला जो ये फंदा है ना, पर्पल वाला, ये जो बीच वाला पर्पल वाला फंदा है, ये हमें स्लिप करना है। तीन बनाए और ये बीच वाला पर्पल कलर वाला जो फंदा है, जो हमने स्लिप किए थे उनका जो बीच वाला ये फंदा है, ये स्लिप किया और ये बनाया। तीन बनाए, अब हम आते हैं अपनी फिफ्थ रो पर। अब हमें क्या करना है, अब हमें सारे फंदे सीधे बनाने हैं। सारे फंदे हमें सीधे बनाने हैं। अब हम आते हैं अपनी सिक्स्थ रो पर। सिक्स्थ रो हमें पूरी उल्टी बनानी है। Thank you.
पपीता, ये पर्पल में भी बड़ा सुंदर लगा है। अब दो सिलाइयाँ मुझे और सीधी उल्टी बनानी है, उसके बाद मैं आपको फिर एक डिज़ाइन और डाल के दिखा देती हूँ। दो लाइनें बनाकर मैं एक डिज़ाइन और डाल के दिखा देती हूँ। सिक्स रो में ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमें दो लाइनें, एक सीधी और एक उल्टी, अपने प्राइम कलर से बनानी होती हैं। अब मैं सेकंड कलर इसमें रेड यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें कितने भी कलर लगा सकते हो। ये मैंने जो इसमें पैटर्न में लगाया है ये मल्टी शेड है जो मैंने यूज़ किया है, इसमें बहुत सुंदर लगा है ये। अब मैं सेकंड कलर ये रेड यूज़ कर रही हूँ। ये पूरी सिलाई हमें सीधी बनानी है रेड कलर से, एक सीधी और एक उल्टी, दो सिलाइयाँ बनानी है। बहुत इजी पैटर्न है, बहुत जल्दी बन जाता है, वूल भी इसमें ज़्यादा नहीं लगती है और फैलता भी नहीं है ये। बेबी स्वेटर में तो बहुत सुंदर लगता है। आप इसे बची कुची वूल से भी बना सकते हो। ये हमारी थर्ड रो है। ये मैंने दो सिलाइयाँ बनाई है ना, एक सीधी और एक उल्टी रेड कलर से। पहली सीधी बनाई, दूसरा ये जो ये हॉल है ना, ये एक ये ध्यान देना जरा, ये एक हॉल छोड़ के और ये नीचे वाला यहाँ से ऐसे करके ऐसे एक फंदा निकालना है और जो ये तीन स्लिप करने हैं और उनके ऊपर से ये ऐसे उतार देना है। फिर एक सीधा बनाया, ऐसे निकाला तीन, फिर ये स्लिप किए और इनके ऊपर से ये ऐसे उतार दिया। ये देखिए, फिर एक सीधा बनाया,
ऐसे निकाला इस होल में से, तीन ये स्लिप किए और इनके ऊपर से ही ऐसे उतार दिया ऐसे, फिर एक सीधा बनाया के ऊपर से ऐसे निकाल दिया। सीधा बनाया इसके नीचे से ऐसे बंदा लाए, ऐसे निकाला बनाया, ये तीन स्लिप किए और इनके ऊपर से ऐसे उतार दिया दो, फिर ये सीधे बनाए ये हमारी फोर्थ रो है। अब जो ये स्लिप किए हुए तीन फंदे थे, ये बीच वाला हमें स्लिप करना है और इसके दोनों साइडों के फंदे हमें बनाने हैं। ये स्लिप किया, ये बनाया, ये बीच वाला जो उधर से बनाया हुआ था वो भी बनाया, ये भी बनाया, तीन बनाए ये, एक ये स्लिप किया, ये तीन बनाए और ये एक स्लिप किया, ये इसके साइड वाला बनाया, ये बीच वाला जो हमने बैक साइड से पहले बनाया था इस साइड से सीधा वो उल्टा बनाया, एक और उल्टा बनाया, ये स्लिप किया, फिर इसके साथ वाला ये बनाया, फिर वो बीच ये वाला बनाया, फिर एक और बनाया, तीन बनाए मतलब एक ये बीच वाला स्लिप किया, तीन बनाए बीच वाला स्लिप किया, ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट की है। अब हमारी ये फिफ्थ रो है, फिफ्थ रो हमें पूरी सीधी बनानी है और सिक्स्थ रो हमें पूरी उल्टी बनानी है। सिक्स रो में ये कंप्लीट हो जाता है, ये पैटर्न डिजाइन कंप्लीट हो जाता है ये सिक्स रो में, फोर के मल्टीपल में बनता है और सिक्स रो में ये कंप्लीट हो जाता है। इसको बिगनर्स भी इजीली बना सकते हैं, बहुत इजी पैटर्न है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमें पूरी उल्टी बनानी है, मैं आपको एक डिजाइन और डाल के दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैंने ये एक डिज़ाइन और डाल दिया है और ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।